आज मैं जा रही थी अपनी जिंदगी और पंच केदारों में सबसे मुश्किल कहे जाने वाले रुद्रनाथ ट्रैक पर। टोटल 40 किलोमीटर के इस डिफिकल्ट ट्रैक को पूरा करने में जहां आपको 3 से 4 दिन लगते हैं, वहीं काफी पल ऐसे भी आते हैं जब हर 5 मिनट में आपको यहां का मौसम बदलता मिल जाता है। छोटे बड़े बुग्यालों से भरे इस यात्रा को पूरा कर जहां एक तरफ दर्शन हुए दुर्गम चौथे केदार वो पवित्र सरस्वती कुंड के, वहीं बड़ी दिलचस्प रही मेरी इस ट्रैक से लगे गांव के लोगों से मिलने और बहुत कुछ जानने की कहानी। अब तक का सबसे कठिन लेकिन सबसे खूबसूरत साबित हुआ यह रुद्रनाथ का ट्रैक। रुद्रनाथ ट्रैक के लिए मैं पहली शाम सगर गांव पहुंच गई, जो गोपेश्वर से 3 किलोमीटर दूर है। सगर गांव से ही शुरू होता है रुद्रनाथ का ट्रैक। सगर में कई छोटे होटल्स और होमस्टे हैं, जहां आप रुक सकते हैं। नेक्स्ट डे सुबह 6:30 बजे मैंने सगर गांव से रुद्रनाथ ट्रैक स्टार्ट कर दिया। ये है मेन गेट जहां से रुद्रनाथ ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस यात्रा की और महादेव का नाम लेते हैं। हर हर महादेव। रुद्रनाथ का ट्रैक काफी डिफिकल्ट है, तो यहाँ लोकल लोगों के सजेशन के अनुसार मैंने अपना बैग ले जाने के लिए सगर गांव के ही एक जानकार पवन को अपने साथ ट्रैक पर ले लिया। वैसे इनका मेन बिजनेस घोड़े खच्चरों का है, लेकिन अभी ऑफ सीजन के चलते ये खुद ही साथ चलने को रेडी हो गए। अभी ऊपर रुद्रनाथ मंदिर में 2 दिन का भंडारे का आयोजन चल रहा था, इसी कारण सगर से कुछ और गांव वाले रुद्रनाथ की तरफ जा रहे थे, तो पवन ने गांव के ही दिनेश नेगी जी को अपने साथ ले लिया और आधा सामान उन्हें दे दिया। तो सगर गांव के हरे भरे खेतों से जो है मैं गुजर रही हूँ। ये है रास्ता जो जा रहा है ऊपर, इसी रास्ते पे जाना मुझे, और व्यूज को जो है एंजॉय करते करते हुए मैं जा रही हूँ। और ये मेरे दोनों तरफ जो है मंडुवे का खेत है। ये देखिए अभी ये मंडुवे उग रखे हैं, इससे बनती है हमारे यहाँ बोलते चूने की रोटी, तो ये मंडुवा उग रखा है आजकल। सगर गांव से आप जब थोड़ा ट्रैक करके ऊपर की तरफ आ जाते हैं, तब आप जो है यहाँ से देख सकते हैं कि गांव के जो है कितने अच्छे व्यूज दिख रहे हैं। वो देखिए दूर वो गांव। रुद्रनाथ ट्रैक के लिए चढ़ाई सगर गांव से ही स्टार्ट हो जाती है। गांव से इधर उधर के लिए काफी रास्ते कटते हैं, तो यहाँ रास्तों पर पड़े पत्थरों में तीर के निशान बनाए गए हैं, जो आपको रुद्रनाथ की तरफ गाइड करते हैं। सगर गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद पहला छोटा स्टॉप पड़ता है, जो है चंद्रकोटी। यहाँ पे मुझे 1-2 दुकानें दिख रही हैं, तो यहाँ पे जो है आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। जय भोले। जय भोले।
आ गए। चंद्रकोटी पर हमने अपना पहला ब्रेक लिया। यहाँ पर दिनेश नेगी जी ने बताया कि वह रुद्रनाथ ट्रैक पर गाइड व पोर्टर का काम भी करते हैं और ये काम वह काफी सालों से कर रहे हैं। चंद्रकोटी के बाद अब जंगल स्टार्ट हो जाता है। दोनों तरफ पेड़ों के अलावा अब अगले 2 किलोमीटर तक और कुछ नहीं दिखाई देता है और यह पूरी चढ़ाई वाला ट्रैक ही है। और 2 किलोमीटर बाद आप जंगल से निकलते हुए पहुंचते हैं एक खूबसूरत बुग्याल में और यह बुग्याल है पुंग बुग्याल। वाह, सगर गांव से लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक करके अगला मुख्य पड़ाव आ जाता है पुंग बुग्याल। तो ये है पुंग बुग्याल। बुग्याल शब्द का अर्थ होता है घास के हरे भरे मैदान। पुंग बुग्याल में सिर्फ एक ही दुकान है जिसमें खाने और रहने की व्यवस्था हो जाती है। यहाँ एक टेंट में 8 से 10 लोग रह सकते हैं और यहीं से आसपास के अच्छे व्यूज भी दिखते हैं। बुग्याल के जो रास्ते हैं इनमें जो है पूरा पानी भरा हुआ है और रास्ते में भी बीच बीच में जो है रास्ते पूरे पानी से भरे हुए थे। तो यहाँ जो है सैंडल लाना ही जो है फायदेमंद है क्योंकि जूते तो पूरे भीग जाएंगे। अभी भी आप देखेंगे पूरा कीचड़ वाला रास्ता और का है। इस बुग्याल के बाद फिर से घने जंगलों का रास्ता शुरू हो जाता है। बीच में कई छोटे छोटे वाटर स्ट्रीम्स भी मिलते हैं। पुंग बुग्याल से थोड़ा ही आगे इस ट्रैक पर 2 पक्के पुल भी बने हैं। पुंग बुग्याल से मैं लगभग 0.5 किलोमीटर आगे आ गई हूँ और यहाँ से जो है असली चढ़ाई ट्रैक की स्टार्ट हो जाती है और देखते हैं कि चढ़ाई कहाँ तक रहती है। इस बुग्याल के 1 किलोमीटर बाद अब अगला पॉइंट आता है घिमघिमा पानी। घिमघिमा पानी में एक छोटी सी दुकान है बिष्ट जी की जहां आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। घिमघिमा पानी वाला लाला वो क्या ये बोल देना उसमें। यहां पर हमारा नाश्ता रेडी है, गर्मा गर्म पराठे और चाय। इस जगह का नाम घिमघिमा पानी क्यों पड़ा इसकी स्टोरी हमें बताई सत्येंद्र रावत जी ने। और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और पर्यावरण प्रेमी हूं और सगर का निवासी हूं। और अभी हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं वो सगर से 5 किलोमीटर की दूरी पे यह जगह है और इसका नाम है घिमघिमा पानी। इसका नाम इसलिए पड़ा है घिमघिमा पानी क्योंकि जो यहाँ पे जो पानी निकलता है वो पानी आपको कहीं दिखता नहीं है लेकिन इसकी जो आवाज होती है वो मतलब एक बाजे की तरह जैसे हमारा ढोल डमरू होता है उस तरह की इसकी आवाज निकलती है और उस पे जो आवाज निकलती है उस पे घम 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 की जो आवाज निकलती है इसलिए इस स्रोत का नाम जो है घिमघिमा पानी है। घिमघिमा पानी के बाद अगली दुकान और पीने का पानी आपको 3.5 किलोमीटर बाद ही मिलता है तो अपनी बॉटल यहाँ जरूर फिल कर लें।
घिमघिमा पानी से ही शुरू होती है रुद्रनाथ ट्रैक की असली चढ़ाई। अब अगले 7 किलोमीटर यानी पनार बुग्याल तक अब एकदम खड़ी चढ़ाई है। ऐसी स्टीप चढ़ाई मैंने अब तक किसी भी ट्रैक में नहीं देखी थी। यहाँ से मुझे घाटी जैसी कुछ नजर आ रही है। अब थोड़ा और ऊपर जाने पर आपको सामने पहाड़ और नीचे पुंग बुग्याल का व्यू दिखने लगता है और इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि पुंग बुग्याल के बाद 2 किलोमीटर की ही चढ़ाई में आप कितनी हाइट पर आ चुके हैं। घिमघिमा पानी से मैं थोड़ा और ऊपर की तरफ आ गई हूँ और अभी तक सगर गांव से लेके यहाँ तक का मेरा ट्रैक हो चुका है लगभग 6 किलोमीटर का। पुंग बुग्याल अब काफी नीचे नजर आ रहा था। ट्रैक में मैं ज्यों-ज्यों ऊपर बढ़ रही थी रास्ता छोटे छोटे फूलों के बागानों से होता जा रहा था और यहाँ मौसम भी बहुत तेजी से बदल रहा था। घिमघिमा पानी से लगभग 3.5 किलोमीटर का मैंने ट्रैक कर लिया आगे और अब पहुंच गई हूँ मैं इस जगह पे जिसका नाम है मौलिक खड़क और यहाँ पे मुझे जो है पानी मिल जाएगा। इस 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर में बिल्कुल पानी नहीं था घिमघिमा पानी के बाद। मौलिक खड़क में भी बस एक ही छोटी सी दुकान है। बैठने के लिए यहाँ एक चबूतरा टाइप का बना हुआ है तो यहाँ आप थोड़ी देर रुक कर रेस्ट ले सकते हैं। यहाँ से अब जो अगला पॉइंट आता है वह है ल्यूटी बुग्याल। साढ़े 9 किलोमीटर के लगभग मेरा ट्रैक हो चुका है। सगर गांव से यहाँ मैं इस एक मेन पॉइंट तक पहुँच चुकी हूँ और इसका नाम है ल्यूटी बुग्याल। तो इसकी दूरी है सगर गांव से लगभग 9.5 किलोमीटर। ल्यूटी बुग्याल में टोटल 2 दुकानें हैं जहाँ आपको खाने व रहने के लिए बेड या टेंट मिल जाता है। मैंने यहीं पर लंच कर थोड़ा देर रेस्ट किया। यह है एक मुख्य पड़ाव रुद्रनाथ ट्रैक का ल्यूटी बुग्याल। यहाँ पे मैंने लंच कर लिया है, चाय पी ली है और अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ पुनार बुग्याल के लिए जो कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक है और पनार बुग्याल में ही होने वाला है मेरा आज का स्टे। ल्यूटी से पनार बुग्याल का 1.5 किलोमीटर का ट्रैक बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाला है और रास्ते के पत्थर भी उबड़ खाबड़ हैं। हर 5 मिनट में यहाँ पहले पूरी घाटी कोहरे से ढक जाती और फिर एकदम तेज धूप में पसीना आने लगता है। इस पॉइंट से अब पेड़ बिल्कुल खत्म हो गए थे और अब बस फूल और घास ही दिख रही थी। लगभग 2-3 बजे हम पनार बुग्याल पहुंच गए। यहाँ पर 1-2 टेंट्स हैं
और आज नाइट का मेरा स्टे यहीं होने वाला था। शाम 5 बजे बाद यहाँ तेज बारिश होने लगी और ठंड काफी बढ़ गई। मैं टेंट में अपने बेड पर बैठ गई। मेरे अलावा इस टेंट में 5 लोग और थे। अगले दिन सुबह उठकर मौसम साफ मिला तो काफी सुकून मिला। मॉनसून अभी खत्म नहीं हुआ था, फिर भी ऐसा मौसम देख खुद को काफी लकी महसूस किया। सुबह 7 बजे के आसपास हमने अब रुद्रनाथ के लिए ट्रैक स्टार्ट कर दिया। आज हमें 9 किलोमीटर के आसपास ट्रैक कर रुद्रनाथ पहुंचना था। टेंट से 50 मीटर ऊपर चलने के बाद ही सामने दिखता है खूबसूरत पनार बुग्याल। मैं हूं अभी पनार बुग्याल में। यहां से जो है हल्का फुल्का चाय नाश्ता किया मैंने और तैयार होके अब मैं निकल रही हूँ रुद्रनाथ मंदिर के लिए। और मैं दिखाती हूँ फिलहाल आपको पनार बुग्याल के व्यूज। बड़ा सा घास का मैदान, उस मैदान में चढ़ती सैकड़ों भेड़े, सामने चांदी की तरह चमकती हिमालय की श्रृंखलाएं। ऐसा लगा कि अपनी नॉर्मल लाइफ को पीछे छोड़ मैं किसी और ही दुनिया में आ गई। ठीक सामने आज का ट्रेल दिख रहा था जिसमें कि आज हमें ट्रैक करना था। तो यहाँ पनार बुग्याल में ये है मेरे पीछे चेक पोस्ट जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है रुद्रनाथ मंदिर का। ये वो रजिस्ट्रेशन होता है जो आप जो है सगर गांव में पहले ही करवा देते हैं मंदिर जाने के लिए। रुद्रनाथ ट्रैक में आते हुए जो जो बुग्याल पड़े थे जैसे ल्यूटी बुग्याल, पुंग बुग्याल और ये पुनार बुग्याल, इनमें से अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा बुग्याल जो है ये पुनार बुग्याल ही है। पनार बुग्याल में एक गेट दिखता है और यहीं से सीधा जाता है रुद्रनाथ का ट्रैक। इस बुग्याल से आगे 1/2 किलोमीटर की चढ़ाई हल्की फुल्की है, लेकिन उसके बाद आगे 2 किलोमीटर का ट्रैक फिर से चैलेंजिंग है क्योंकि चढ़ाई एकदम खड़ी है। पनार बुग्याल के बाद अब हमारा अगला पड़ाव होता है पितृधार, जो कि इस पूरे ट्रैक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा। ट्रैक में अब आपको दूर एक बड़ी लेक दिखती है और यह है तोली ताल। अभी मैं पनार से लगभग 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करके आगे आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया, थोड़ा बहुत कुछ खाया और आज आसमान भी साफ है तो इसलिए जो है दूर से आपको पूरी पीक्स जो है क्लियरली दिख रही है और साथ ही सामने हिमालय की पीक्स भी दिख रही थी जो मुझे केदार और केदारनाथ डोम लगे। और अब अगला पड़ाव आएगा पितृधार जो रह गया है बस 2.5 किलोमीटर दूर, तो चले चलते हैं।
पनार से लगभग 4 किलोमीटर दूर आता है इस ट्रैक का एक सबसे खूबसूरत पार्ट, जिसे कहते हैं पितृधार। पितृधार फेमस है यहाँ से दिखने वाली विशालकाय हिमालयन पीक और यहाँ की जाने वाली एक खास रिचुअल के लिए। पहुँच गई हूँ मैं इस ट्रैक के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, जिसे कहते हैं पितृधार। इसकी अगर हाइट की बात करें तो ये लगभग 13,100 फीट की हाइट पर है। और ये जगह क्यों खास है इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये जगह पितरों यानी पूर्वजों की पूजा के लिए पवित्र मानी जाती है। और आपको यहाँ छोटे छोटे एक के ऊपर एक रखे पत्थर दिख जाएंगे, जिन्हें लोग अपने पूर्वजों के नाम पर रख जाते हैं। इसके अलावा इस पॉइंट पर एंट्री करते ही छोटे पत्थर के बने कुछ मंदिर भी दिखते हैं। अगर व्यूज की बात करें तो यहाँ से आपको पूरी हिमालयन रेंज नजर आती है, जैसे कि हाथी पर्वत, केदार डोम, नंदा घुंटी आदि। पितृधार से अब रुद्रनाथ मंदिर तक का ट्रैक ज्यादातर ढलान वाला था और साथ ही शुरू होने वाला था ट्रैक का सबसे खूबसूरत पार्ट। यह मेरा अब तक का सबसे यूनिक और खूबसूरत एक्सपीरियंस होने वाला था। हर 200-400 मीटर में ट्रैक बिल्कुल चेंज हो जाता, कभी घास का मैदान आता तो कभी फूलों की घाटियां। इस नैरो ट्रैक से गुजरते हुए सामने हिमालय की चोटियों का दीदार। अपने पहले दिन की थकान को अब मैं पूरी तरह से भूल चुकी थी। पितृधार से लगभग 1 किलोमीटर बाद दर्शन होते हैं पंचगंगा के। ये 5 धाराएं आपको ट्रैक पर अलग अलग जगह पर देखने को मिलती हैं। अब मैं पहुंच गई हूं एक ऐसे स्थान पर जिसे कहते हैं पंचगंगा। पनार बुग्याल के बाद आपको पानी पंचगंगा पर ही मिलता है। इस पॉइंट पर आके लग रहा है कि ये भी जो है किसी फूलों की घाटी से कम नहीं है। दूर तक देखेंगे आप बड़े बड़े बुग्याल हैं और उनपे छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं। पितृधार से लगभग 3 किलोमीटर बाद ट्रैक के किनारे ही आपको एक लोहे की छड़ी पर घंटियां और झंडे बने दिखते हैं। और इसे क्रॉस करते ही आपको दूर से ही चौथे केदार रुद्रनाथ के पहले दर्शन होने लगते हैं। फाइनली यहाँ से रुद्रनाथ मंदिर की पहली झलक मुझे दिखाई दी। दूर से आपको दिखेगा नहीं, पर उधर ही उधर जो है वही है रुद्रनाथ मंदिर। मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले का रास्ता पूरा फूलों से भरा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़े बड़े जो है फूलों के पौधे जो है नजर आएंगे आपको, और जहां तक नजर जाएगी आपको यही फूल नजर आएंगे।
मंदिर रह गया है अब बस 1 किलोमीटर दूर, और फिलहाल एक खुली सी घाटी में मैं आ चुकी हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे रास्ता थोड़ा खुला है और थोड़ा समतल है। रुद्रनाथ का ये ट्रैक इतना खूबसूरत है, यहाँ पल पल में जो है सीन चेंज होते रहते हैं और दूसरा सीन जो है पहले से और ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। लगभग 11 बजे मैं बाबा रुद्रनाथ के धाम पहुंच गई। रुद्रनाथ धाम के कोई 300-400 मीटर पहले ही रहने के लिए 2-3 छोटे होटल व टेंट्स हैं। मैंने पहले धाम के दर्शनों के लिए जाने का डिसाइड किया। रुद्रनाथ धाम के थोड़ा पहले ही एक गेट बना हुआ है जिससे एंट्री करते ही आप रुद्रनाथ धाम के परिसर में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले मैं मंदिर के दर्शनों के लिए चली गई। अभी रुद्रनाथ मंदिर को अच्छे से सजाया गया था क्योंकि यहाँ अभी भंडारा चल रहा था और एक मेले का आयोजन भी होने वाला था। लंबा रास्ता और डिफिकल्ट ट्रैक की वजह से यहाँ भंडारे में कोई 30-40 लोग ही दिखे। अगर पंच केदारों की बात करें तो इनका संबंध पांडवों से जोड़ा गया है। माना जाता है कि इन 5 केदारों की स्थापना पांडवों ने की थी, जिसके पीछे की कहानी ये है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव भ्रातृहत्या व ब्राह्मण हत्या के पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे और इसके लिए वह भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। कहते हैं कि भगवान शिव युद्ध के चलते पांडवों से नाराज थे, तो पांडवों से बचने के लिए भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया। माना जाता है कि इसके बावजूद भी भीम ने महादेव को पहचान लिया और उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगे, और तब कहते हैं कि भगवान शिव के शरीर के 5 हिस्से 5 जगहों पर प्रकट हुए जो बाद में पंच केदार कहलाए। रुद्रनाथ में भगवान शिव का मुख प्रकट हुआ था, जबकि अन्य भाग जैसे पीठ केदारनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में व जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। रुद्रनाथ धाम के एक तरफ वन देवता का मंदिर है। यहाँ रुद्रनाथ से पहले वन देवता की ही पूजा की जाती है। मंदिर के दाईं तरफ 5 छोटे छोटे मंदिर बने हैं जो 5 पांडवों को समर्पित हैं। अभी दोपहर के भंडारे में थोड़ा टाइम बचा था तो पवन हमें रुद्रनाथ मंदिर के थोड़ा पीछे स्थित सरस्वती कुंड दिखाने ले गया। मैं आ गई हूँ एक पवित्र कुंड के पास जिसे कहते हैं सरस्वती कुंड। ये रुद्रनाथ मंदिर के पीछे से इसका रास्ता है जो कि लगभग 200 मीटर का ट्रैक है, तो आप 200 मीटर का ट्रैक करके सरस्वती कुंड के दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं कि बहुत समय पहले यहाँ पर माँ सरस्वती की वीणा की धुन सुनाई देती थी, और साथ ही अगर आप ये जगह देखेंगे एकांत में है ये जगह, और ये मेडिटेशन के लिए भी काफी अच्छी जगह है। यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं मेडिटेशन। सरस्वती कुंड के दर्शनों के बाद अब टाइम था भंडारे का। ये 2 दिन का भंडारा सगर गांव के लोगों ने रखा था जो कि हर साल होता है। भंडारे का स्वादिष्ट छोले चावल खाने के बाद मैं मंदिर से नीचे की तरफ आ गई
और रात के रुकने के लिए टेंट देखने लगी। और ये टेंट मिला मुझे टिंकू भैया से, जो कि एक हंसमुख और मस्त मौला शख्स है। तो ये है मेरा रुद्रनाथ का आज का नाइट स्टे, छोटा सा टेंट जो है यहीं पे आज रात मैं रहने वाली हूँ। तो मैंने अपना पूरा घर जो है यहाँ पे सेट कर दिया है। और यहाँ से सबसे अच्छी बात यह, मैंने ये वाला टेंट इसलिए लिया क्योंकि यहाँ से जो व्यूज दिख रहे हैं वो और किसी टेंट से नहीं दिख रहे हैं। तो जब व्यूज देखने हो, मैं ऐसे अपनी खिड़की से अपनी गर्दन निकालती हूँ, व्यूज देखती हूँ और ठंड लगे जैसी फिर अंदर हो जाती हूँ। रुद्रनाथ में स्टे के लिए वैसे बहुत ही कम ऑप्शंस हैं। शाम के 5 बजे मैं एक बार फिर से रुद्रनाथ धाम पहुंच गई और यहां एक बार फिर से मेरी मुलाकात हुई सत्येंद्र रावत जी से, और वो अपने काफी सामाजिक कार्यों का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने लगे। शाम को 7 बजे से बाबा रुद्रनाथ की आरती शुरू हो गई, जो लगभग 1 घंटे चलती है। अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर 5:30 बजे हमने रुद्रनाथ धाम से वापस नीचे की तरफ ट्रैक स्टार्ट कर दिया। मेरा आज का प्लान पूरा 21 किलोमीटर का ट्रैक कर सगर गांव पहुंचने का था, और एक बार फिर से मैं खुश और थोड़ा बहुत सरप्राइज भी थी कि मॉनसून के सीजन में लगातार 3रे दिन भी मुझे मौसम साफ और सुबह सुबह धूप खिली मिल गई। बीच में सनराइज देखने के लिए एक जगह मैं कुछ देर के लिए बैठ गई। उगते सूरज की लालिमा में नंदा घुंटी, नंदा देवी, हाथी पर्वत, द्रोणागिरी जैसी हिमालयन श्रृंखलाओं को देखने का एक्सपीरियंस अलग ही था। मैं आ गई हूँ वापस पितृधार में, जो इस ट्रैक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। अगर आपको खूबसूरत व्यूज और हिमालयन रेंजेस का मजा लेना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जगह ये पितृधार ही है, क्योंकि सबसे ऊंचा पॉइंट है तो यहाँ से आपको व्यूज जो है एकदम क्लियर और बहुत ही खूबसूरत नजर आते हैं। 5:30 बजे के लगभग जो है मैं रुद्रनाथ मंदिर से वापसी के लिए चल दी थी, और अभी टाइम हो रहा है 7 और मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे पितृधार में। यानी कि 4.5 किलोमीटर जो है मैंने लगभग 1.5 घंटे में पूरा कर लिया है। फिलहाल यहाँ पे थोड़ी देर का ब्रेक है, फिर चलते हैं नीचे की तरफ। बीच बीच में कई बार बैठकर मैं दिनेश नेगी जी से उनके पुराने रुद्रनाथ ट्रैक के एक्सपीरियंस और आसपास के पहाड़ों व गांवों के बारे में पूछ रही थी। रुद्रनाथ का ट्रैक बहुत डिफिकल्ट है, जहां आप बार बार नहीं आ सकते, तो मैं नीचे आते हुए बीच बीच में सामने के सुंदर पहाड़ों और हिमालयन श्रृंखलाओं को देख इन दृश्यों को अपने मन में कैद कर रही थी।
ट्रैक में चलते हुए आपको कई जगह पत्थरों की टूटी दीवारें दिखती हैं। ये पहले दुकानें हुआ करती थी, लेकिन अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन दुकानों को हटा दिया है। समय हो रहा है 8:30 और मैं पहुंच गई हूं पनार बुग्याल। नौ बज गए हैं और मैं पहुंच गई हूं ल्यूटी बुग्याल और यहां पे मैं करूंगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि वहां जो है ब्रेकफास्ट किया नहीं था, जल्दी निकल गई थी, तो यहां पे ब्रेकफास्ट करके तब बढ़ेंगे आगे। काऊ 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 कर रहा हूं। पहुंच गई हूं मैं मौली खड्ड। अभी तक रुद्रनाथ मंदिर से लगभग मैं 11 से 12 किलोमीटर आगे आ चुकी हूं और यहां पे मौली खड्ड नाम का एक पॉइंट है, वहां पे थोड़ी देर का ब्रेक है। और इस पूरे ट्रैक में मुझे 2 या 3 से ज्यादा ट्रैकर ने दिखे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट ट्रैक है, या फिर मॉनसून है, शायद ये भी रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल रास्ता है वो तो ये है, घूम के आ रखा है। और एक मुझे दिख रहा है यहाँ से एक शॉर्टकट, थोड़ा रिस्की है लेकिन सोच रही हूँ कि ये रिस्क ले लूँ। चढ़ते हुए तो ये बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाता है, लेकिन अभी जो है मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ। और ये शॉर्टकट सफल रहा और ये था ओरिजिनल जो रूट है, तो इसको जो है इस रास्ते नहीं आई मैं, और मैंने बीच में से एक शॉर्टकट ले लिया।
अगर इस ट्रैक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो या फिर आपको मेरे साथ चल रहे पोर्टर या गाइड का कॉन्टेक्ट डिटेल की ज़रूरत हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।